कानून व्यवस्था की बात करने वाली योगी सरकार में कानून का राज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। आए दिन महिलाओं और मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी की घटनाएं हो रही है और अपराधी बेखौफ हो गए हैं। ताज़ा मामला जालौन का है, जहां घर के बाहर सो रही 6 साल की मासूम को गांव के 3 लोग सोते समय अगवा कर जंगल ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जब सुबह के समय मासूम के परिजन जागे और उन्होंने मासूम को गायब देखा तो उसे खोजने का प्रयास किया, जो गांव के बाहर जंगल में खून से लथपथ मिली। अपने साथ हुई घटना की पीड़िता ने आपबीती बताई, जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर थाने आए और पूरी जानकारी दी। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बीरन, अच्छा, लड़की को सूत में उठा ले गए। सूत उठा ले गए, खुद बता दे। अरे बलाओ की ले ले, बलात्कार किया तू ना ले लिया। मेरा खानी का मैं सो गया, रात के ले गए। अच्छा, कौन थी? उठने नौली के रहने वाले। कहाँ के थे? उठने नौली के रहने वाले। नौली कोठी के रहने वाले थे। कहाँ ले गए? वो दूर ले गए, 1 किलोमीटर दूर। अच्छा, नहर के नारे। अच्छा अच्छा, पता कैसे लगा आपको लड़की? पता वैसा लगा, मैंने देखा लड़की नहीं मिली, ढूंढा मैंने गांव में, ढूंढा इसने नौली, ढूंढा गाड़ी, ढूंढा मैंने, तब पता चला लड़का ढूंढने गए थे, उन लड़कों को मिली। तीन लोगों ने किया। कहाँ, कितने दूर? 1 किलोमीटर जाएगा। कितने लोग थे जो गए थे? 3 लोग। 3 लोगों ने किया। इसके बाद पता कैसे चला आपको लड़की मिली नहीं? मेरे मुझे दिखाई नहीं गई कहीं, चार पाई परी, चार पाई नहीं मिली मेरे, फिर गांव में ढूंढा सुनता, मेरे को पता चला लड़की आ रही थी तो मन पर। देखिए, आज प्रातः 6:21 में हमें UP100 लखनऊ कंट्रोल रूम से एक कॉल आई, जिसमें सूचना दी गई कि इस तरीके का प्रकरण रिपोर्ट हुआ है। उस पर हमने तत्काल प्रभाव से PRV नंबर 1594 UP100 की और हमारे SO मौके पर पहुँचे तो ये ज्ञात हुआ कि एक नाबालिग बच्ची, जो कि 6 वर्ष उम्र है उनकी, उनके साथ गांव के ही 2 व्यक्ति दिनेश और सुशील, ये दोनों लगभग 16-17 साल के हो सकते हैं अभी, और एक अधेड़ व्यक्ति वीरेंद्र, ये 55 साल का है, गांव के बाहर का है। इन्होंने कल रात्रि में, जब ये बच्ची अपने घर के बाहर सो रही थी, लगभग रात्रि 11 बजे इसको वहाँ से अगवा किया और गांव के ही बाहर ले गए और वहाँ पर इसके साथ दुष्कर्म किया। ये चीज़ की पुष्टि हो चुकी है और जब लड़की सुबह वापस आई अपने घर तो उसने बताया, और जब बताया क्योंकि वो तीनों को पहचानती थी, गांव वालों ने तत्काल सूचना की। SO साहब ने भी काम पहुँच रहे हैं, आप तक इनको बिठा लीजिए। तत्काल हमारी UP100 की गाड़ी SO मौके पर पहुँचे और इन तीनों को गांव से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वादगी तहरीर पे मुकदमा संख्या 154/17, धारा 376D, धारा 307, 506 IPC और 3/4 POXO एक्ट के तहत मामला दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बच्ची की हालत खतरे से बाहर है, उसके मेडिकल के लिए उसको भेजा गया है, जिसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।